Uh, दोस्तों वेलकम टू एम ए टी वी स्टूडियोज़ एज यू मस्ट बी सरप्राइज कि भई थर्सडे को प्रोग्राम होता था आज वेंसडे को कैसे हो गया जैसे मैंने अपनी फेसबुक पर भी लिखा था कि भाई एक्सेप्शनली आज वेंसडे को प्रोग्राम है नाइन थर्टी टू टेन थर्टी बट इन फ्यूचर इट विल बी ऑन थर्सडे फ्राम नाइन थर्टी टू टेन थर्टी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है कभी अंग्रेज़ी में होता है पंजाबी में होता है हिंदी में होता है उर्दू में होता है कभी गुजराती भी हो जाता है आज का जो प्रोग्राम है वो हिंदी में है क्योंकि हमारे पास बहुत उम्दा बहुत बढ़िया हिंदी की कवित्री हमारे साथ हैं जय वर्मा जी फ्रॉम नोटिगम जय वर्मा जी शी इज़ वेरी वेरी एक्टिव पर्सन एक्चुअली इन दिस फील्ड हिंदी के लिए बहुत कुछ करती हैं हम बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई इतना समझे कैसे निकालती हैं शी इज़ मैरिड टू ए डॉक्टर और डॉक्टर लोग जो है वो आपको पता है कितने वैल्यूएबल होते हैं और इनकी सपोर्ट डॉक्टर साहब को है डॉक्टर साहब इनको सपोर्ट करते हैं तो ऐसे इनकी जो जो शादी की जो गाड़ी है वो आगे आगे चलती रहती है और कम्युनिटी के लिए बहुत काम करती हैं जया जी एक्चुअली शी इज़ चेयरपर्सन ऑफ काव्य रंग काव्य रंग एक एक संस्था है जो हिंदी को प्रमोट करता है उसकी ये चेयरपर्सन है और बोर्ड ऑफ मेंबर है नॉटिंगम एशियन आर्ट्स काउंसिल नॉटिंगम एंड एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नॉटिंगम एशियन आर्ट्स काउंसिल शी वाज़ देयर टू जीरो जीरो एट टू टू जीरो टू ज़ीरो टेन यानी कि ट्वेंटी एट से लेकर ट्वेंटी टेन तक देन शी वॉज रिप्रजेंटेटिव ऑफ प्रवासी टाइम्स एंड बी बी सी पर आ, आ, रह चुकी हैं ये प्रेजेंटर भी रह चुकी हैं सो शी इज़ वेरी मच फेमिलियर विद ब्रॉडकास्टिंग एटिकेट जो होते हैं ब्रॉडकास्टर बौर, की जो जिम्मेवार जिम्मेवारियाँ होती हैं उसके बारे में भी ये खूब अच्छी तरह से जानती हैं शी आल्सो डॉन कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी नोटिंगम बहुत लंबा चौड़ा इनका जो ए, जो गतिविधियाँ हैं वो हैं और इनसे वो बात करेंगे पहले इनका स्वागत कर लें जय वर्मा जी हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है खैर मकतम है जैनू थोड़ी <laughs> पंजाबी भी हो जानी चाहिए बहुत अच्छी बात है थैंक यू वेरी मच एक तो मैं थैंक यू स्पेशली करना चाहता हूँ कि मैंने आपसे बिनती की आपने मान ली फिर इतनी दूर से आप आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारा जो स्टूडियो है आपकी खूबसूरत जो साड़ी है उसके जो कलर के कॉन्ट्रास्ट हैं इससे हमारा जो स्टूडियो और भी रंगीन हो गया ये तो भारत की सबसे अच्छी खूबी है ये हमारी खासियत है क्योंकि इतने इतने रंग हैं 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 भारत में इतनी कविताएं इसीलिए कविताएं बनती हैं सब ये है। सही सही जो सुंदरता है जो नेचर है जो कलर हैं हमारे हाँ। और वो खूबी जो है वो हमारे साथ साथ चलती है हैं जी आपने बिल्कुल ठीक कहा एक्चुअली जो यहाँ से लोग इंडिया जाते हैं जो फॉरनर होते हैं वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने जो कलर्स देखे वहाँ Uh, उनकी हमें बहुत हम हमें अचंबा हुआ जी. कि इतने ज़्यादा डिफरेंट कलर्स हैं जी. अच्छा तो आप इस कंट्री में आए नाइनटीन सेवनटी वन क्वाइट ए लॉन्ग टाइम अगो 1971 से लेकर अब 2016 बहुत सी चीजें इस कंट्री में तब्दील हो चुकी हैं बहुत बदल चुके हैं जब मैं आई थी वन में तब तो यहाँ कोई हिंदी बोलने वाले भी नहीं मिलते थे हमें हम हिंदी की आवाज सुनने के लिए तरस जाते थे इतना होता था कि कोई हिंदी तो बोले कोई बात तो करे घर में हम लोग हिंदी बोलते थे लेकिन बाहर सभी डॉक्टर, सभी अपने पड़ोसी सभी लोग इंग्लिश में ही बात करते थे तो मैं बहुत दुखी होती थी इस बात को लेकर के और हम लोग क्योंकि उस समय ना टेलीफोन होते थे ना ई होती थी ना मोबाइल फोन थे ना कंप्यूटर थे, तो घर में भी बात नहीं कर सकते थे तो हिंदी सुनने के लिए काम तरसते थे हम दिनों उनको बना बनाया गुड लक टू देख वैसे तो लेकिन हमारी जो स्ट्रगल थी वो डिफरेंट थी क्योंकि आप सेवेंटी वन में आए आई के 62, तो तब तो और भी मतलब डिफरेंट किस्म की जिंदगी थी तो जब आप इस कंट्री में आए तो आपके पति देव डॉक्टर साहब आ, वो ज्यादातर नौकरी करने जहाँ थे पढ़ने आए थे क्या करने थे करने ये नौकरी करने के लिए आए थे क्योंकि जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया में, ये था उन दिनों पर सेवेंटी वन की बात ही है और आपको याद होगा तब यहाँ पोस्ट ऑफिस की स्ट्राइक भी चल रही थी जी बिल्कुल तो ये तब आए यहाँ पर तो आने के बाद में ये लेटर लिख करके भेजते उन दिनों हमारा कोई और कॉन्टेक्ट इनके साथ नहीं हो पाता था केवल पत्रों के द्वारा होता था तो जैसे ये लेटर भेजते हम लोगों को मिलते नहीं थे क्योंकि यहाँ स्ट्राइक चल रही थी तो जो भी कोई डॉक्टर काम करने आता हॉलैंड से अमेरिका से कनाडा से या कभी यूरोपियन कंट्री से या अरब से तो ये लेटर उनको दे देते तो घर में सब लोग बड़ा चिंतित होते थे कि भाई ये इस जगह से क्यों आ रहे हैं <laughs> इंग्लैंड से तो कोई लेटर आ ही नहीं रहा तो हम लोग बहुत देर लगी समझने में कि ये डार्बी में आके सेटल हो गए थे और इनको अच्छी जॉब मिली थी बहुत अच्छी जॉब थी इनकी हैंड सर्जरी में तो फिर उसके आठ नौ महीने के बाद में आई फिर क्योंकि जब इस देश में उस दफे लोग आते थे जी जैसे आपने बिल्कुल जाफरमाया कि हम तरसते थे कि भी कोई हिंदी बोलने वाला हिंदी पढ़ने वाला हमें मिले हिंदी में हम बात करें जी आपकी बा, बात बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन आप हिंदी से जुड़े रहे जी आपने क्या क्या किया थे क्या आपने सोचा कि भाई हिंदी को प्रमोट करना चाहिए हाउ आई कैन डू इट बस ये पहली बात तो ये थी कि हिंदी से प्यार था और हिंदी से प्यार है कि जहाँ मैं चली हिंदी चली हिंदी मेरे साथ साथ चली <laughs> <laughs> <नहीं>। <laughs> तो हिंदी हम लोग घर में बात करते थे और जो हमारे दोस्त आते थे हम सबसे हिंदी में बात करते थे तो जो दूसरे अपने जैसे महाराष्ट्र के या दूसरे पंजाब के या गुजरात के लोग होते थे वो दूसरे डॉक्टर्स होते थे तो वो लोग कई बार कहते थे कि अरे हमें समझ पूरा नहीं आया नहीं। तो उसमें थोड़ा सा इंग्लिश में बता दिया थोड़ा सा हिंदी में बता दिया तो हम हिंदी में बोलते थे तो आपने हिंदी में जो पढ़ाने का काम किया क्योंकि आई वॉज लुकिंग एट दिस ये जो मैं कैमरे को दिखा दूँ कि ये जो किताब है ऐसे जे आपने अपने हाथ से जी, जी। था। और इसमें बच्चों के इंटरेस्ट की बातें की तो ये जो ऐसी किताबें लेकिन हिंदी में नहीं मिलती जी। आ, अब भी मतलब अच्छा लगा पहले पांच साल तो कुछ भी हम लोग को हिंदी का कुछ भी मतलब एक्सपोजर नहीं मिलता था नहीं। लेकिन जैसे ही नोटिंग हम आई मैं इतनी खुश हुई जा करके नोटिंग हम बड़ा अच्छा शहर है लोड बायरन का शहर है और अपनी भारतीय संस्कृति का शहर है और साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति का बड़ा अच्छा वहां पर मिक्सचर है हमारे यहाँ कि नोटिंग के जो लोग हैं बड़े कल्चर लोग हैं अपने जो इंडियंस हैं अपनी मातृभाषा को उन्होंने बचा के रखा हुआ है वहाँ पर हिंदी पंजाबी उर्दू सभी भाषाओं को और हिंदी का वहाँ स्कूल था ये कला निकेतन तो उसमें मैं बच्चों को लेकर के गई वहाँ पर और तभी उस दिन वहाँ पर टीचर ने मुझे कहा कि तुम बच्चों के साथ रुक जाओ जब उन्होंने देखा कि मैं हिंदी में बोलती हूँ और बच्चों को हिंदी सिखा भी सकती हूँ तो मुझे कहा गया कि तुम भी हिंदी पढ़ाना शुरू करो तो ऐसे में बच्चों को हिंदी पढ़ाने लगी बहुत खूब लेकिन हमारे पास मेटेरियल नहीं होता था हिंदी का पढ़ाने का तो उन दिनों क्या था कि जब अगर हम इंडिया से मैटेयल मंगवाते हैं वो आज भी है स्थिति वैसे तो तो वहाँ का मेटेरियल होता है हिंदी के जो सिलेबस है उसमें नहीं नहीं है है नहीं। ये एक जैसा सब जगह तो इसमें क्या होता था कि हिंदी का जब हम लोग पढ़ाते थे बच्चों को तो कैसे पढ़ाएं तो सभी टीचर्स लिख के लाती थी और जो हमारी हेड है, है हिंदी की वो बहुत एक्टिव है अपना नाम भी सुना होगा उनका मिसेज मोहिंद्रा जी तो वो काफी काम करती हैं आज भी वो हिंदी पढ़ा रही है तो उनका क्या हुआ कि वो कहती थी कि अपने आप सब लोग तैयार करो मेटीरियल अपना तो जब लोग हिंदी लिखते थे तो कहानियां जो भी हमें याद आती थी वो लिख देते थे तो इसीलिए कहानी है कछुआ और खरगोश तो हम लोगों ने वहाँ टीचर्स का हमारे ग्रुप बना और उस ग्रुप में हम लोगों ने सामूहिक रूप पे मतलब मिल करके सब लोगों ने ये कहानियां लिखी और जैसे कि ये ये कहानियां जो हैं जैसे आपने हम पहले बात कर रहे थे ये कहानियां दरअसल अंग्रेजी की हैं और इसको इसको हिंदी रंग दिया हाँ गया। जी ये वाली जो कहानियां है जैसे कि मैं और मेरा परिवार ये कहानी है जैसे और ये है इसमें उषा और पवन की फार्म पर सैर तो ये इंग्लिश की किताबें थी ये इंग्लिश की किताबों को हमने इंडियानाइज किया इसको हम लोग मैं और मेरा परिवार इसमें माता पिता बहन भाई सब दिखाए इसके अंदर जैसे मीरा की शादी ये थी एलिसंस वेडिंग वेडिंग को हमने इसमें मीरा की शादी बनाया और उसको इंडियन कपड़े बनाएल जो की एक ब्राइड की होती है जो दुल्हन की होती है वो सब बनाई तो इस तरह से करके इनको इंडियन इस तरह से तो बेसिकली क्योंकि हमारी जो जबाने हैं पंजाबी है उर्दू है हिंदी है गुजराती है बंगाली जो भी ऐसी हैं उनको आ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश में ये आती है कि उनके पास पैसे नहीं होते और जो आर्ट काउंसिल है आपकी जो आर्ट काउंसिल नोटिंग की मैं देखता हूँ कि दे फंडेड फंड बिकॉज दे फंडेड यू यू दैट देज टू डू मोर इन हिंदी तो अब भी वो फंड्स आपको मुहैया करते हैं या नहीं करते आ, हैं आजकल कर तो देखिए सब जगह फंडिंग जो है खत्म होती जा रही है कर, कट किए गए हैं चाहे आर्ट काउंसिल हो चाहे स्कूल्स हो चाहे काउंसिल हो नोटिंग काउंटी हो या सिटी हो

जो भविष्य है जो फ्यूचर है वो कैसा है हमारे जो बच्चे हैं वो तो हमारी हाँ, जो है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने क्योंकि हिंदी तो ये है कि पढ़ानी बहुत अच्छी बात पढ़ा है पढ़ाना चाहिए हम लोगों को और हिंदी को ये कि ग्रास रूट से ही सिखाना चाहिए कि अगर पेरेंट्स घर में हिंदी नहीं बोल पाएंगे या नहीं बोलेंगे तो उससे बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे और हिंदी के लिए ये कि शुरू से ही बोलना होगा लेकिन ये बात भारत में भी हो रही है ये यहाँ की बात नहीं है वहाँ भी बच्चे इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते हैं क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में जाते हैं और यहाँ पर जो ब्रिटेन में मैं देख रही हूँ कि हिंदी के स्कूल चल रहे हैं बड़े बड़े शहरों में हैं लेकिन वो कम्युनिटी गुरुद्वारे या फिर मंदिर में चलते हैं वो तो इसके लिए ये क्या हिंदी का भविष्य तो है अभी तो जो थर्ड जनरेशन के बच्चे हैं आपको यकीन नहीं आएगा नोटिंग हम हमारे मैं आपको बता रही हूँ कि जो थर्ड जनरेशन के बच्चे हैं वो अपने बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए ला रहे हैं कुछ लोगों ने तो खुद मिस कर दिया था हिंदी सीखना लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर के आते हैं तो वो देख के बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है रेली कि बच्चे हिंदी सीखना चाहते हैं दैट 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 इज इज वेरी वेरी गुड लेकिन हमारे जो क्योंकि लैंग्वेजेज सभी एक ही हैं मान लो पंजाबी लोग कहाँ जहाँ इतनी जनसंख्या उनकी हिंदी वालों की या बंगाली वालों की सबकी एक सी प्रॉब्लम है कि अगर बच्चे तभी सीखते हैं अगर जो पेरेंट्स है दे आर मोटिवेटेड कि उनको वो सिखाया जाए लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमारे पास टाइम नहीं था जब पता नहीं क्या बात होगी कि वी हैड सम काइंड ऑफ गैप इन दैर और लोग बहुत से लोग नाइन्टी परसेंट लोग इसको कंटिन्यू नहीं रख सके हाँ बिल्कुल ये हिंदी के साथ होता है ये ये पंजाबी के साथ होता है सब भाषाओं के साथ यही है क्योंकि क्या है कि मदर टंग तो सीखनी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि फिर आपस में जब घर में बात करते हैं तो बच्चे फिर समझ जाते हैं कि क्या बात हो रही है फिर वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं लेकिन इसके लिए कंटिन्यूटी करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए उसके वो डेडिकेशन चाहिए और बच्चों का इंटरेस्ट चाहिए और तो फिर उनके लिए रोजगार चाहिए उनके लिए काम चाहिए नहीं तो फिर हिंदी का फिर लगता है कि भाई पढ़ के क्या करेंगे वो लोग एग्जैक्टली दैट दैट इज ऑलवेज जितने भी शिखा आई थी पिछली दफा तो शिखा ने भी यही कहा कि उसके बच्चे हिंदी बोलते हैं यहाँ वन वी वेंट टू इंडिया तो वहाँ जब वो हिंदी बोल रहे थे तो वहाँ के जो बच्चे थे वो अंग्रेजी बोल रहे थे एंड रियली सरप्राइज वो कहते इतने बैकवर्ड कंट्री में आप रहते हो क्या नहीं you know, वो क्या होता है कि इंडिया के बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है yeah. क्योंकि पॉलिश कर सकें उनका मन करता है इट इज नॉट ओनली चिल्ड्रेन लिविंग इन इंडिया दे थिंक स्पीकिंग इन इंग्लिश समथिंग वेरी एक्स्ट्रोर्डिनरी और पौश लैंग्वेज है जिन अंग्रेज़ों की जबान है दिस एंड दैट यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग वो एहसास एहसासिकमतरी होती है बच्चों में आ, ये कहना कि भाई पॉलिश करने के लिए इनके साथ बो रहे थे शायद नॉट एग्री विद दैट वो भी बात होगी कुछ लोगों में लेकिन यहाँ के जो बच्चे जब हिंदी वहाँ जाकर बोलते हैं यहाँ के बच्चे जो पंजाबी वहाँ जाकर बोलते हैं तो उनको रिस्पॉन्स जो मिलता है इवन टू आस इफ़ यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश पंजाबी वो वो अंग्रेजी में आवाज़ जवाब देंगे वो सोचते हैं कि इफ आई एम लिविंग इन इंग्लैंड आई शुड बी आई मस्ट बी स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम हाँ देखिये आज कल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इंग्लिश का महत्व अपनी जगह पर है लेकिन मदर टंग का महत्व अपनी जगह पर है और जो लोकल लैंग्वेजेज हैं उनका अलग है और हिंदी का महत्व तो अलग है right. हिंदी तो मतलब अपने भारत की राजभाषा है mm. राष्ट्रभाषा तो नहीं बन सकी ये mm. इसका ये मतलब बहुत ही दुख की बात है कि अभी राष्ट्रभाषा नहीं बनी है

मतलब उनमें से एक है कि जो हिंदी में स्क्रिप्ट मांगते हैं अपना बाकी दूसरे लोगों का जो है वो कहते हैं है कि हमें रोमन लैंग्वेज में लिख करके दो हिंदी मतलब जो, जो पढ़ नहीं सकते जो पढ़ नहीं सकते तो देखिए ये हालत है लेकिन हाँ अमिताभ बच्चन जैसे हैं वो अपना हिंदी में स्क्रिप्ट पढ़ते हैं अपने मोदी जी हैं हिंदी में कितनी सुंदर उन्होंने स्पीच देखी लास्ट ईयर दी अभी नवंबर के महीने जब यहाँ आए थे तो जहाँ भी कहीं वो जाते हैं वो हिंदी में ही बोलते हैं उससे बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है इससे पहले हमारे किसी बड़े नेता ने ऐसे हिंदी में बातें नहीं की थी Do you think he he speaks in in Hindi because he cannot speak in English? <laughs> <laughs> <एदे नहीं। laughs> <laughs> तो हम क्योंकि हमारे पास टाइम जल्द जल्दी जल दौड़ रहा है तो आपने कहा कि आप अपने बच्चों से हिंदी बोलती थी और अब आपके ग्रैंड तो ये बच्ची ये कैमरे को दिखा दू इसकी तस्वीर तो बड़ी बड़ी सुंदर बच्ची है बड़ी अच्छी बच्ची है मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर तो ये हिंदी समझ सकती है ये हिंदी नहीं समझ सकती इसलिए अभी कह रही है कि मुझे हिंदी सिखाओ इसने खुद कहना शुरू किया है क्योंकि इसके पेरेंट्स हिंदी में बात नहीं करते हैं घर में क्योंकि फादर इंग्लिश हैं और माँ हिंदी है तो उसमें अभी इन्होंने अब कहना शुरू किया मुझे हिंदी सिखाओ तो इसको मैं अगले हफ्ते हिंदी स्कूल लेके जा रही हूँ तो ये दोनों में ये दच्ची दूसरी दच्ची हैं।, से हैं दोनों हाँ। मेरे बेटे की बेटियां हैं दोनों तो आपके बेटे इनकी की दादी बेटे है। हाँ हा। तो आपकी जो कहानी है कहानी चलो और मेरे <laughs> जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो मेरे जो माय सन एंड माई डों दे मोस्टली स्पीक इन इंग्लिश तो बच्चे भी साथ इंग्लिश में बोलते हैं हम भी इंग्लिश में कई बार ज्यादा बोलते हैं तो छोटी जो बच्ची है जया वो कहती है कि आई वॉन्ट टू लर्न हिंदी देखिए कितनी अच्छी और है पंजाबी और हिंदी तो वहां एक सियाटल में एक स्कूल है गुरुकुल जो गुजराती लोग हैं उन्होंने खोला हुआ तो वहां बहुत अच्छी बात है तो। हा, हा, और नाम भी इतना वी आपने जो पहले बात की, <laughs> की थी जी, जी। कि अगर हिंदी में आप एमए भी कर लेते हो पंजाबी में कर लेते हो दूसरी जबानों में करते हो ये रोजगार के लिए जबान तो है ही नहीं इस कंट्री में नहीं है इंडिया में नहीं है नहीं देखो मैं ऐसा क्या देखो अभी मैं इंडिया काफी जाती हूँ आजकल क्योंकि जो हिंदी जो अपने भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं कुछ यूनिवर्सिटीज वो हिंदी को प्रवासी हिंदी साहित्य का जो सब्जेक्ट है वो लगा रही हैं हिंदी हुँ. का बच्चों को एमए और बीए करने के लिए इंकरेज कर रही हैं और कितनी अच्छी बात है हुँ. कि हम लोग ऐसे उसमें समय में जी रहे हैं ये बात बीस साल पहले नहीं थी ये बात तीस साल पहले नहीं थी लेकिन ये आज के जमाने में है जे जी जो विदेशी जो बाहर लोग रहते डायस्पोरा जो है इंडियन डायस्पोरा बाहर रहता है ए, हमारे पंजाबी में भी वहाँ एक स्पेशल विभाग है पंजाबी का जो बाहर के जो विदेशी हैं वो जो साहित्य रचते हैं उनको वहाँ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं दिस इज दिस इज गुड थिंग और हिंदी में बहुत में अच्छा हिंदी का भी ऐसे शुरू हुआ है तो जैसे कि मेरठ यूनिवर्सिटी है तो उसने सबसे पहले प्रवासी हिंदी साहित्य को बच्चों को एम के लिए एक में से उनको सब्जेक्ट लगाया तो उसमें हमारे यहाँ यूके के बहुत सारे राइटर्स उसमें हैं तो बड़ी खुशी होती है उषा राजे तेजेंद्र शर्मा जी जी। और दूसरे राइटर्स हैं दिव्या है, जे। है जे। जी। जी। काफी लोग हैं उसमें तो उन्होंने मेरा इसमें परिचय लगाया उन्होंने मेरा तो मेरा परिचय है उसमें मेरी कोई कविता कहानी नहीं है और ऐसे फिर अभी इस बार हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने बुलाया इसमें जनवरी के महीने में तो उन्होंने पहली बार प्रवासी हिंदी साहित्य के ऊपर तीन दिन का सेमिनार किया और उसमें उन्होंने हिंदी प्रवासी साहित्य के बारे में जानना चाहा कि क्या क्या इसमें काम हो सकते हैं रोजगार की हिंदी में जो आप बात कर रहे थे उसके बारे में ये कहूंगी कि हिंदी का भविष्य अच्छा है अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप हिंदी में सर्विस जरूर मिलेगी आपको बहुत सारी नौकरियाँ ऐसी हैं कि जो अच्छी हिंदी वालों को मिलती हैं आपका डेडिकेशन होना चाहिए रेली चाहे हिंदी में हो इंग्लिश में हो किसी भी लैंग्वेज में क्यों आप तो इंडिया जाते रहते हैं जो नो वहाँ आप जब देखते हैं हमने वो एक, एक्टर एक्ट्रेस की तो मिसाल दी है हमने जनरल जो जनरल पब्लिक है मतलब जो जो मिडिल क्लास हैं और रिच क्लास जो है वो दे डोंट वांट टू स्पीक इन इन हिंदी दे प्रेफर टू स्पीक इन इंग्लिश ये चीज़ हम देख चुके हैं और दूसरे जो ए, क्योंकि हम उस तरफ इतना जाना नहीं चाहते क्योंकि भी इंडिया का सवाल है लेकिन जहाँ के वापस हम यहाँ आते हैं बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं तो मैं बहुत से और फील्ड हैं जिसको मैं कवर करना चाहता हूँ आप मैं देखता हूँ कि आप पेंटिंग भी करती है पेंटिंग आपका शौक़ है तो ये एक बड़ा बढ़िया शौक़ है जो तो आप पेंटिंग किस किस भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करती हैं? मैं ने, नेचर के ऊपर करती थी मैं नेचर या फिर डिजाइन या कोई कला इस तरह की जैसा तो है अलोरा की कला होती है क्योंकि मैंने बीए किया था पेंटिंग में ड्राइंग एंड पेंटिंग हमारे टाइम पर आजकल तो मुझे नहीं मालूम पर हमारे समय पर तीन सब्जेक्ट हमें लेने होते थे नहीं। नहीं। तो उस टाइम पर मैंने ये पेंटिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग इंग्लिश लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स लिया था ये तीनों सब्जेक्ट्स थे और बाकी मैं आज मैं कहती हूँ साथी तीनों सब्जेक्ट मेरे बहुत काम आए तीनों ही सब्जेक्ट से मैं आज मैं यहाँ हूँ आपके सामने बैठी हूँ क्योंकि ड्रॉइंग पेंटिंग में शो क्या करती थी घर में पेंटिंग लगी हुई है उसके बाद पता नहीं कब मैं पोइट्री लिखने लगी मैं कविताएं लिखने लगी क्योंकि पेंटिंग का बहुत नजदीक का रिश्ता है ये मुझे पहले मालूम नहीं था इतना लेकिन जब मैं अब देखती हूँ अनुभव हुए हैं हैं ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि वो पेंटिंग करते थे या पोइट्री लिखने लगे आ, या पोइट्री लिखते थे वो पेंटिंग करने लगे तो ऐसा कुछ होता है जैसे आपने कहा तो मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ ब्रेक के बाद आपकी जो पोइट्री उसके बारे में बात करेंगे आपका जो लिटरेचर है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों आज हमारे साथ हैं म से आए हैं Nottingham आप जानते हैं कि भाई इसको हेरिटेज इंग्लिश हेरिटेज का दर्जा मिल चुका है एक कल्चर्ड सिटी है बायरन और और लॉरेंस का है, का शहर शहर है है यूनिवर्सिटी है वहां से आई हैं आप जय वर्मा जी इनसे इनके साथ बातचीत हो रही है छोटी सी ब्रेक लेंगे Why miss your Call India Landline and Mobile Numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. Tag. Hello so welcome back in the second part of our program. After you will see my email id on the screen. I shall be grateful if you share your reaction इस प्रत्यक्रम है जो इस प्रोग्राम का वो दे सके मुझे अगर आपको कोई बात अच्छी भी नहीं लगती तब भी मुझे बताइए क्योंकि वी एंड डेवर टू इम्प्रूव अवर प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया और आज वेंसडे को प्रोग्राम हो रहा है लेकिन अमूमन मेरा प्रोग्राम थर्सडे को होता है फ्रॉम नाइन थर्टी टू टेन थर्टी एंड नेक्स्ट वीक फिर थर्सडे को हो होगा प्रोग्राम फ्रॉम नाइन थर्टी टू टेन थर्टी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है जय वर्मा जी हिंदी की बहुत बड़ी कवित्री हैं और समाज के लिए बहुत काम करती हैं औरतों के जो इश्यूज है उसके लिए बहुत काम करती हैं नोटिंगम में रहती हैं नोटिगम इसे कल्चरल सिटी और इंग्लिश हेरिटेज का तो यूनेस्को का जो दर्जा इनको मिल चुका है तो जय जी सबसे पहले ये कहें कि क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं मैं घड़ी घड़ी कह रहा हूँ कि भई बहुत बड़ी कवित्री हैं तो वो <laughs> आपकी कविता सुनना चाहेंगे तो हमें एक तो कविता कविताएँ पहला आप सुनाइए कुईताए पहले Then we will talk about other issues. एक कविता एक पल, जो सुनाती एक पल। जी मोमेंट जो आजकल पल है प्रेस है <laughs> एक, एक, एक पल के लिए जी लेने दो एक पल के लिए जी लेने दो एक पल के लिए जी लेने दो एक पल ही तो बस अपना है इस पल को मुझे छू लेने दो बहुत खूब एक पल के लिए जी लेने दो आसमान से टूटते तारे से पूछा कि तुम कहां से आए तारे ने कहा मैं बहुत दूर से आया हूँ एक लंबा सफर तय कर आया हूँ तुमने जो मुझे देखा तुमने जो मुझे देखा बस यही है पल मेरा अब ना मैं ठहर पाऊंगा अंतरिक्ष में कहीं खो जाऊंगा फिर ना कभी किसी को याद आऊंगा बहुत खूब बहुत खूब क्या बात है और हो जाए अच्छा जैसे चल निकल चले चल निकल चले तेरे जहां गुलिस्ता से चल निकल चले तेरे जहां गुलिस्ता से कौन जानता है कि राह किधर ले जाए पार हो जाती है कोसो की दूरी जिस दिन बस दहरी पार हो जाए चल निकल चले तेरे जहां गुलिस्ता से दर पर पांव रखते ही आ जाती है समझ कि कौन है अपने और कौन पर आए कदमों की आहट देती है तेरे आने की खबर वरना दिल का हाल हमें कौन बताए चल निकल चले तेरे जहां गुलिस्ता से एक ही दिन में देखे सब मौसम एक ही दिन में देखे सब मौसम खुशिया गम और सर्द हवाएं देख ली रफ्तार जमाने की हमने देख ली रफ्तार जमाने की हमने जमी के उस पार अब क्यों जाए चल निकल चले तेरे जहां गुलस्ता से कौन जानता है कि रहा किधर ले जाए बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छी पोइट्री और भी सुनते हैं तो मैं देख रहा था कि आप ना सिर्फ आ, हिंदी जो है उसको प्रमोट करती हैं आप दूजी जो दूसरे लैंग्वेजेस हैं वहाँ नोटिंगम में फॉर इंस्टेंस गुजराती है पंजाबी है उर्दू है उनको भी प्रमोट करती है तो आपकी जो हिम्मत हुई तो आपने ये किताब जो है जे एडिट किया जी कलर्स ऑफ हाँ इसमें कलर... क्या आया कि हमारा जो ग्रुप है काव्य रंग वो मल्टीलिंगुअल है जी। और इसमें जो है ये तीन हम लोग थे इसमें जो सेक्रेटरी है जुगनू और जो हमारी ट्रेजरर है जुगनू महाजन जी और जो ट्रेजरर है डॉक्टर दुबा और मैं तीन लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया था ये 2003 की बात है और आज ये इसमें 20-22 मेंबर्स हैं जो एक्टिवली लिख ले रहे हैं और वो लोग तीन लेंग, चार लैंग्वेज में लिखते हैं हिंदी उर्दू पंजाबी और इंग्लिश तो ये जो था हमारा नोटिंग ऑफ वर्ड्स का प्रोग्राम था ये तो उसमें उन्होंने कहा कि अपने तुम काव्य रंग के मेंबर से मिलवाओ तो उनको मिलवाने के लिए सभी मेंबर्स ने अपनी अपनी कविता अपनी भाषाओं में पढ़ी और साथ में स्क्रीन के ऊपर इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन आता नहीं पर पर है इस दुनिया में है। है। उनकी कविता है संतोष तालीवाल मेरे दोस्त हैं उनकी कविता पंजाबी की है तो दूसरे मनोरमा जैन है मीना सिन्हा है तो उर्दू के भी राइटर है फरजाना है करार खान है जी ये सभी लोग जो हैं डिफरेंट जबानों में लिखते थे और आपने ये मजमुआ जो है अपने आप में इट इज़ वेरी वैल्यूएबल एट एट द सेम टाइम जे मैं देख रहा था कि भाई खूबसूरत इतना छपी है ये किताब कि पंजाबी में दूसरी जबानों में हमारे पास कहाँ छपती हैं बड़ी महंगी पड़ती है जी, जी। हाँ तो, अच्छा हाँ। तो हाँ जी तो दूसरे I'm sorry, I'm तो आप पेंटिंग की बात हमने कर ली तो जो योगा है जी। मेरी मेरी पत्नी योगा करती है अच्छा। मेरे सदो तालीबाज सभी मेरे दोस्त करते हैं सभी योगा करते हैं लेकिन मैं इतना मतलब मेरे पास क्या कहते हैं मैं हर दफा दौड़ता रहता हूँ जी नहीं तो 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 अच्छा no, no हाँ तो ऐसा है कि योगा की जो अपनी खासियत है जो मन को एकाग्र करना है मन तन और आत्मा तीनों को मिलाना है इसमें हाँ, तो पहले ही योगा करती थी मैं आजकल मैं कम करती हूँ क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलती रही हूँ और बैडमिंटन सिखाती रही हूँ बारह साल तक मैंने एडल्ट एजुकेशन में बैडमिंटन सिखाया फिर उसके बाद टेनिस खेलने लगी तो टेनिस की कुछ ट्रॉफी जीती अपने क्लब में फिर उसके बाद में गोल्फ खेलने लगी क्या बात है? तो मैं करीब चौबीस सालों से गोल्फ खेलती हूँ तो गोल्फ मुझे बहुत अच्छा लगता है और गोल्फ में यह है कि आपकी वर्जिश भी हो जाती है साथ साथ आपको फ्रेश एयर भी मिलती है और जो आपने बात की ना दौड़ने की <laughs> 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 वो वो घूमना फिरना भी हो जाता है <laughs> तो, तो तो आप देखो ए, आपकी दिस ए, दो यू कुछ प्रोग्राम भी हमने अटेंड किए आप भी वहां करती रहती हैं तो आप गा भी लेती नहीं मैं गाती नहीं हूँ एक ये टैलेंट मुझे नहीं अच्छा अच्छा क्योंकि मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता सुनना बड़ा अच्छा लगता है लेकिन तो इसीलिए जो हमारे पोएट्री के ग्रुप के लोग हैं कई लोग बहुत टैलेंटेड है

करते रहे हैं जो करते हैं, हैं मुझे पता हाँ, नहीं है तो वेजिटेरियन कुकिंग जो है जी। ए, मुझे याद है कि वी टू कैनेडा वहाँ हम इमिग्रेशन हमारे पास थी तो हम बिजनेस देख रहे थे तो मेरी पत्नी वेजिटेरियन है वी फाउंड ए ह्यूज डिफिकल्टी इन गेटिंग वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स और अब भी यूरोप में ऐसे है लेकिन पहले से बहुत सिचुएशन ठीक हो गई है बहुत अच्छा हो गया पहले से तो आप पहले से वेजिटेरियन जी में? मैं बचपन से ही हमेशा से मतलब जन्म से तो ही डॉक्टर साहब भी डॉक्टर साहब मेरे साथ साथ देते हैं मेरा ये वेजिटेरियन बन गए हैं बन गए जी छत्तीस सालों से इन्होंने ये वेजिटेरियन का नाम महात्मा गांधी कुछ भी कहते हैं साथ देते हैं वो वो साथ देते हैं, इसमें भी देते हैं। साथ में दोनों बच्चे हमारे जो अच्छा, हैं वो वेजिटेरियन हैं वो आज भी वेजिटेरियन है इट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर जी बहुत हो रहा है आजकल हाँ और आजकल ये कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी बहुत खुल गए हैं अब कोई दिक्कत इतनी नहीं होती है पर हाँ शुरू में जब हम लोग आए थे तो परेशानियां होती थी उन दिनों पर क्योंकि मैं एग भी नहीं खाती हूँ तो एग ना खाने की वजह से मैं केक वगैरह तो जी जी जी। तो जीती कैसे हो हाँ जी। तो <laughs> आप, आप, आप बता रहे हो कि हाँ एग भी नहीं खाती है चलो आज तो आज तो सब कुछ खाते हैं तो मैं देख रहा था आप एडवाइजर रहे हैं, हैं आ, आए, जो हैं संस्कृति जू के अपना जो सभ्याचार है संस्कृति है जी आप संस्कृत भी पढ़ी है संस्कृत मैंने हाँ मैंने इंटर तक संस्कृत पढ़ी है आ, इंटर तक मेरे पास थी लेकिन होता क्या है ना असल में ये सब चीजें काम आती हैं जीवन में जब आप देखो कि मैथमेटिक्स पहले हम सोचते थे कि कहा काम आता है पर सब जगह काम आता है डे टू डे की लाइफ में सारी साइंस काम आती है जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वही काम आएगा आपके लेकिन संस्कृत संस्कृत इज लाइक लेटन जीटन लैंग्वेज इट्स डेड लैंग्वेज जी बस वो है के मंत्रो वगैरह में है काम आती है पूजा में काम आती है और ये मतलब अपने हिंदुज्म की जो बातें हैं वो पढ़ने के लिए काम आती है लेकिन प्रैक्टिस कम हो जाती है जब आप पढ़ते नहीं हो उसको बोलते नहीं हो तो प्रैक्टिस कम हो जाती क्योंकि है क्योंकि बिलीव मेरे पास मैंने ऑनर्स इन पंजाबी किया है अच्छा वो और ऑनर्स इन पंजाबी में, में मेरा जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो संस्कृत थी जी क्योंकि मैं हिंदी खूब पढ़ ले लिख लेता था उसके साथ मैंने संस्कृत ली अच्छा लेकिन मैं उसको रख सका। जैसे, जैसे में भी, भी मैंने है। लेकिन उर्दू को continue, uh, ना कि जो काम आप करते रहेंगे वही आपके साथ रहेंगे और ऐसे इंटरेस्ट बदलते रहते हैं टाइम के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस बदलते हैं अनुभव ज्यादा होते हैं फिर आप उसी तरह से आपकी बातें बदलने लगती हैं और आप नए नए काम करते हैं और इस कंट्री में आकर तो कोई भी हॉबी आप ले सकते हैं यहाँ ये बहुत अच्छी बात है तो इंग्लैंड में आकर सबसे सब बड़ा फायदा मुझे यही हुआ इस बात का कि सारी हॉबी जितनी जितनी मुझे पसंद थी बैडमिंटन खेलना क्योंकि जितनी भी हॉबीज आपकी है आउटडोर हॉबीज है फॉर एग्जाम्पल आउटडोर तो नहीं जानी एक्सरसाइज वाली है फॉर एग्जांपल स्विमिंग है गोल्फ तो है ही आउटसाइड जाने की बात और वैसे भी आपके जो नोटी में क्योंकि जब मैं जाता हूँ मैं सुख जी के साथ

शैले का स्काई लार्क हम देखेंगे शेक्सपियर के घर देखेंगे वर्ड के फूल होंगे एंड ऑल दैट, लेकिन जब आपने हमने यहाँ आए तो हमने देखा कि भाई रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें ऐसी चीजें नहीं आती जो लिटरेचर का काम होता है ऐसे मैटर न्यूज के जो शेक्सपियर है शेक्सपियर इज मोर पॉपुलर इन इन इंडिया है। जी क्योंकि हमारे लिटरेचर में वो शामिल है जी बिल्कुल ऐसे लॉर्ड बायरन का है लॉर्ड बायरन को इंडिया में बहुत प्यार करते हैं लोग क्योंकि उनकी बुक्स पढ़ाई जाती हैं लोग उनके ऊपर एम ए कर रहे हैं उनके ऊपर लिटरेचर के ऊपर अपने पी एच डी कर रहे हैं तो इसलिए अच्छा लगता है देख करके इंडिया का और इसका इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपस में एक मेल है एक कॉम्बिनेशन है और इसीलिए संस्कृति भी हम लोग एक दूसरे की पहचानते हैं जब मैं मैंने बी में लिटरेचर था मेरे पास एक बार मैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन पढ़ रही थी लेकिन हमारे कोर्स में लगी थी तो उसमें आया कि पाई उसमें था कि बच्चे ने पाई की चोरी कर ली कबड़ में से तो मेरे समझ में नहीं आया पाई क्या चीज हो सकती है ये वर्ड कभी सुना नहीं था नहीं। आजकल के सारे बच्चे इंडिया में जानते हैं पाई क्या होती है क्या होता है। लेकिन हमारे टाइम पे हमें इतना एक्सपोजर नहीं मिला था ना टेलीविजन होता था ना रेडियो होता था उन दिनों पर तो देखिए जी आप कुछ सुनाइए कविता कोई ही हाँ देखिये अच्छा तो रिश्ते के बारे में जैसे ये रिश्ते जो जो होते जो जो relations होते, हैं, होते हैं हैं उसके बारे में सुनाती जी 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 कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते क्या क्या रंग दिखाते हैं रिश्ते कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते पेड़ों के पत्तों से छनती हुई धूप जैसे और कभी बरसात में निखरे हुए रूप जैसे हरियाली के रंग दिखाते हैं रिश्ते छुई मुई से नाजुक होते हैं रिश्ते ले जाते हैं दूर गगन में ये गुनगुनाते रिश्ते जमी भी अपनी आसमां भी अपना क्या खूब सपने दिखाते हैं रिश्ते कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते उगता है नया सूरज हर नए रिश्ते के साथ उगता है नया सूरज नए रिश्ते के साथ महकता है मौसम रिश्तों के नाम तमन्नाओं को जिंदा रखते हैं रिश्ते मन को तड़पाते और कभी बहलाते हैं रिश्ते कैसे अनोखे होते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो रह हैं। यहाँ के बारे में कोई कविता लिखी आपने हाँ जी यहाँ पर क्या होता है कि जब आप यहाँ रहते हैं तो ये देखे नेचर सब जगह एक है आप कहीं भी रहे किसी भी देश में रहें जो वहाँ की कल्चर वो तो आपके ऊपर असर छोड़ती है जो अपने आसपास देखते हैं लेकिन जो नेचर होती है वो एक जैसी होती है जैसे कि आसमान के रंग बदलते हैं क्यों <स्तिति> आसमान के ये रंग बदलते हैं क्यों <स्तिति> कहे कशा इतनी दूर होते हैं क्यों <स्तित> आसमान के ये रंग बदलते हैं कुछ आप है भारत में रहे या आप यहां रहे जमीन तो घूमती है सूरज के चारों ओर चांद भी चक्कर काटे धरा की ओर अंधेरा बस अच्छा लगता है सितारों के वास्ते वरना घुप अंधेरों में की क्या वास्ते? Mm, mm. खुद खींच लेगी चाहत मेरी mm. कशिश जैसे धरा में भरी mm. चांद को भी रात में खो mm. जाने दो mm. सुबह की सुनहरे रंग बिखर जाने दो mm. परछाइया भी अब तो बढ़ने लगी mm. तनहाया भी इंतहा होने लगी mm. इल्म नहीं है तुम्हें मेरे इंतजार का mm. शुरू हो गया सिलसिला प्यार का बहुत खूब मैं जो बात कर रहा था वो ये कह रहा थाउट दिस कंट्री दिस इन्मेंट इसमें सारी चीज़ अच्छी नहीं है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हैं इसमें बहुत सी समस्याएँ हैं आप वतन से भी दूर हैं अपनी लैंग्वेज आपने बात की है फिर भी यहाँ का जो माहौल है इसका इसको आपने ग्रहण किया होगा इसका प्रभाव आप पर होगा तो आपने कोई ऐसी नज़म लिखी हाँ तो जैसे कि आजकल का जमाना है जो आज कल परेशानियाँ चल रही हैं दुनिया में कितने वोर हो रहे हैं क्या एटमोसफेयर चल रहा है उसके बारे में सुनाऊँ आपको ये ये बगावत ये दूरिया कहाँ से आ गयी ये बगावत ये दूरिया कहाँ से आ गई hmm. वादिया हैं खूबसूरत तबाइया कहाँ से आ गईं? वाह वाह! आए थे कभी हम ले कारवा चमन में hmm. हाँ। जी रहे थे मिलकर जुदाइया कहाँ से आ गई hmm. हम तो यूं ही चलते रहे तेरे जहां में, हम तो यूं ही चलते रहे तेरे जहां में hmm. अच्छाइयां थी हम में hmm. बुराइयाँ से आ गयी लेकर चले थे निशानिया हम आगोश में तोर तरीकों में ये परछाइया कहा से आ गई सुलग रही हैं सब वो रिश्तों में चिंगारिया आ, के बजाय बर्बादिया कहा से आ गई रास्ता सुनाते रहे तुम्हें अपना समझकर न जाने हमारे बीच तन्हाइया कहा से आ गई आखिर मैं एक खुदा एमोला मेरे किसको पुकारू मैं खामोश अंधेरों में सिसकिया कहाँ से आ गई बहुत खूब ये बगावत ये दूरिया कहाँ से आ गई वादियाँ हैं खूबसूरत तबाइयाँ कहाँ से आ गई बहुत खूब बहुत खूब आप मेरठ में पैदा हुई वहाँ से चली यहाँ आ गई तो ये जो सफ़र है सफर वो एस यू वाला नहीं <laughs> वो, वो जिंदगी में साथ चलता है होती है सफर भी यही पूछने वाला था कि सफर के साथ सफर भी किया जी बिल्कुल सब कुछ <laughs> नहीं तो जिंदगी का सब रूप देखने को नहीं मिलेंगे आपको ने? पहले आपको किस किस्म की परेशानी आपने हिंदी के बारे में तो बता दिया ये था कि घर वालों को हम याद करते हैं हम रिश्तों को याद करते हैं जो यहाँ के रंग थे अपने भारत के उनको याद करते थे क्योंकि उन दिनों में सेवेंटीज में आपको याद ही होगा क्योंकि यहाँ लोग चार पांच कलर्स पहनते थे बस एक नेवी एक ब्राउन एक सफेद और कभी कभी और ग्रे और साथ में कभी कभी लाल कोई कपड़ा पहन लेता था और आज तो खैर सभी रंग इंग्लैंड के अंदर है अब तो सब भारत के रंग यहाँ आ गए हैं तो ये भी हैं। क्या है। जो, जो लेडीज़ होती जी। आ, उनको बहुत चॉइस होती है वो बेचारे हाँ उनको आप लोग तो काला होगा या ब्राउन होगा या ब्लू होगा तो मैंने इसका तरीका निकाल लिया मेरे ख्याल डॉक्टर साहब भी ऐसे करते होंगे कि जो टाइया है ना वो डिफरेंट किस्म की लगाओ हाँ जी जी तो ऐसा होता है था। हाँ, हाँ, था। हाँ, जी जैसे जमी अगर थम भी जाए तो क्या है क्योंकि एक फिलोसफी ऑफ लाइफ है एक ये दार्शनिकता है लाइफ में ना जमी अगर थम भी जाए तो क्या है आसमां अगर झुक भी जाए तो क्या है दिल में जब तक ना हो मोहब्बत ये जहां मिल भी जाए तो क्या है तो क्या है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है <laughs> अच्छा तो आप फिल्में भी देखती होंगी किस किस में की कि फिल्में देखती हो मैं सभी तरह की फिल्में देखती हूँ मुझे सभी फिल्में अच्छी लगती हैं आर्ट फिल्म भी सोशल भी हाँ दूसरे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता मुझे कौन सा नहीं अच्छा लगता जो ये मार पिटाई वाली होती हैं अच्छा मार पिटाई मार पिटाई की फिल्म देखती हूँ तो इनके लिए देखती हूँ वायलेंस वाली नहीं अच्छी नहीं जी मुझे नहीं अच्छी लगती

चाहे हम यहाँ रहें चाहे भारत में रहें कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों ही अपने देश हैं दोनों ही अपनी कल्चर्स हैं दोनों ही अपनी भाषाएं हैं चाहे हिंदी हो हो। या इंग्लिश कि जो जो कहते हैं दोनों ही अपने देश हैं जी ये एक जज्बाती बात है मतलब मानसिकता से बची हुई बात है क्योंकि हम यहाँ रहते हैं ये कर्म भूमि है हमारी जो इंडिया है वहां बोन एसोसिएशन उसके साथ जी बिल्कुल लेकिन अगर देखा जाए तो आप इंडिया के जो पॉलिटिक्स है इंडिया के जो सोशल आदान प्रदान है yeah. व्यविहार है लोगों का डोट यू थिंक वी आर फार रिमूव फ्रॉम देम हाँ कई बार लगता है कि हम लोग अनफिट हैं उसमें जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं कई महसूस करती हूँ कि इंडिया आजकल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि इसमें वेस्टर्नाइज कल्चर बहुत ज़्यादा हो गई है वेस्टर्न कल्चर आ गई है बहुत ज़्यादा और इंडिया में जो लाइफ है वहाँ पर लोगों की कई बार लगता है बहुत अच्छी लाइफ है वहाँ काम करने वाले लोग मिलते हैं दूसरी हेल्प मिलती है परिवार साथ साथ रहते हैं तो अच्छा है लेकिन साथ साथ में फिर वहां पर जो जिंदगी बन गई बहुत तेजी से बदल रही है तो उसमें हमें लगता है कि मैं वहां फिट नहीं होती क्योंकि आपने कहा कि हिंदुस्तान तेजी से पश्चिम की तरफ जा रहा है पश्चिमी जो हाँ माहौल है उसको अडोप्ट कर रहा लेकिन जी। जी। है लेकिन वी शुड बी मोर कम्फर्टेबल एक्चुअली ओवर बिकॉज वी आर लिविंग इन द बेस्ट चलो एक दूसरी बहस है क्योंकि हमारे पास हैं तीन चार मिनट तो उसमें हम चाहते हैं कि आपकी कुछ नजमें जाए सुनाए क्योंकि ऐसा है ना भारत में जब जाते हैं तो भारत बहुत अच्छा लगता है इंडिया में जाती रहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब यहाँ आते तो यही भी मतलब पहले अपना देश नहीं लगता था शुरू से हम आए थे यहाँ पर yeah. लेकिन अब ऐसा नहीं लगता जैसे अरब लेकिन हाँ आपने तो बहुत अच्छी तरह से सम अप कर दिया कि आप जाते हैं हुँ. लेकिन एस उन एज यू गोद आफ्टर फ्यू डेज टू कम बैक और आप देखते हैं कि यू आर आई डोंट टू यूज अनफिट लेकिन जो फील अनकंफर्टेबल आफ्टर व इसमें क्या होता है इंडिया जो है ना वो तेजी से बढ़ रहा है ठीक अच्छी बात है तरक्की बहुत हो रही तरक्की तरक्की है कहें ना कहें ये उसके बात है क्योंकि वर्ल्ड बहुत बढ़ रहा है वहाँ पर हुँ, हुँ। और लैंग्वेज का जैसे आपने कहा कि बच्चे इंग्लिश में बहुत पढ़ रहे है आजकल ना तो चलो हाँ जी देखिए दोनों मुल्कों से बहुत प्यार है दोनों ही से बहुत अच्छा लगता है देखिए आपको चलो एक मैं सुनाती हूँ सागर के बारे में समुद्र के बारे में समुद्र सब जगह होता है उसके। दिन भर की थकन मिटाने के लिए दिन भर की थकन मिटाने के लिए सागर जब लेता है अंगड़ाई शब के अंधेरे में तारों की छाव में लहरें फैलाती हैं अपना दामन किसी को मिलता है उल्फत का खजाना किसी को मिलता है उल्फत का खजाना और किसी के हिस्से में आती है गमे तनाई

मुल्क और को बांटने का तर्क इसमें इस बार क्या है क्या बता सकोगे क्या तुम नजर मिला सकोगे क्या तुम शिकवे उठा सकोगे बहुत कुछ। बहुत खूब खूब ये आपके लिए दो लाइन पढ़ना चाहूंगी आज में मुझे मौका मिला है बहुत अच्छा, अच्छा ये आपके लिए साथी जी तेरे आपका काम मैं देखती हूँ आप मेरी तारीफ तो कर रहे हैं इतना काम करूंगा लेकिन आप बहुत काम कर रहे हैं आपके बारे में पढ़ा ये आपके लिए तेरे सामने है मुबारक की, की वो इंतहा तेरे सामने है मुबारक की वो इंतहा नजर जाती है जहाँ तक बुलंद है, है आसमान जिस सूरज की किरण से बन जाए उम्मीदे जहाँ जिस सूरज किर, की किरण से बन जाए उम्मीदे जहाँ हाँ। आने वाली दुनिया के लिए बन जाए मिसाले बया बहुत थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनेगा तो आपके लिए मैं ये कहूँगा की शुक्रिया जनाब जो आए आप हंसे और जरा मुस्कुराए आप तो चाँदनी बिखरी हमारे आंगन में चाँद बन के जब आंगन में आए आप धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का आपको लेके आए और दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम हमारे साथ थी जया वर्मा जी और मैंने बता चुका हूँ कि कितने काम जो करती हैं इनकी सेहत इनकी उम्र दराज हो बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया नेक्स्ट वीक मिलेंगे ऑन थर्सडे एट नाइन थर्टी पी तब तक के लिए खुदाफिज धन्यवाद